और पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1,000 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए। इससे करीब 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ होगा। यह हस्तांतरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है, जिसमें 80,000 SHG को प्रति SHG 1.10 लाख रुपए का सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त होगा और 60,000 SHG को प्रति SHG 15,000 रुपए की रिवॉल्विंग निधि प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4,000 रुपए वजीफा भी हस्तांतरित किया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने 202 पूरक पोषाहार निर्माण इकाइयों की आधारशिला रखी। इन इकाइयों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और इसके एक यूनिट के निर्माण में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये इकाइयां प्रदेश के 600 प्रखंडों में समेकित बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषाहार की आपूर्ति करेंगी। अरे वंदे, ये सब क्या हो रहा है? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की किस योजना के बारे में बात की जा रही है? पता नहीं नन्ही, लेकिन किसी स्वयं सहायता समूह से फायदे की बात की गई है, जिसके जरिए ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम शुरू किया है। हाँ भैया, देश के हर आदमी के साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी हर काम किया जा रहा है। हाँ भाई, महिलाओं के कारोबार करने और खुद को सक्षम बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी बना दी है। हाँ, और सरकार ने जब से ये योजना स्वयं सहायता समूह बनाया है, तब से तो और भी ज्यादा असर देखा जा रहा है। हाँ भैया, देखो अब तो महिलाओं द्वारा किए जा रहे कारोबार की तस्वीर और उनकी सफलता की कहानियां भी सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। अरे वंदे, वो देखो, राम गोपाल चाचा और हरिराम काका सरकार की इस योजना के बारे में बता रहे हैं। हाँ नन्नी, चलो चलकर उनसे इसके बारे में पूछते हैं। हाँ हाँ, चलो। प्रणाम राम गोपाल चाचा, प्रणाम हरिराम चाचा। अरे नन्ही बंदे, खुश रहो खुश रहो, कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक है चाचा, आप कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। चाचा, आज टीवी पर सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई किस योजना की बात की जा रही थी? हाँ हाँ चाचा, महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने किस तरह की पहल की है, हमें भी बताओ ना। अरे तुम दोनों इतने ध्यान से सुन रहे थे क्या? हाँ चाचा, ये योजना सिर्फ हमारे देश की महिलाओं के लिए है ना? हाँ हाँ बताता हूँ। दरअसल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूह बनाने पर जोर दिया है, जिससे जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण SHG महिलाओं को हर साल कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना है। अरे वाह, गांव की महिलाओं के लिए सरकार ने कितनी अच्छी योजना शुरू की है। हाँ बच्चों, पता है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय ने अगले 2 सालों में 2.5 करोड़ ग्रामीण SHG महिलाओं को आजीविका सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है, जिसके लिए देश भर में मौजूद विभिन्न मॉडलों के आधार पर राज्य सरकारों को एक विस्तृत एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। चाचा, इस स्वयं सहायता समूह के बारे में हमें पूरी जानकारी दो ना। हाँ हाँ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। SHG कुछ सामान आय वर्ग के लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने और आपसी सहायता के लिए निर्मित उन छोटे और स्वैच्छिक समूह से है। ये समूह खुद अपनी सहायता करते हैं, जैसे कि इसके नाम स्वयं सहायता समूह से भी पता चलता है।
इस प्रकार के समूह में 10 से 20 सदस्य होते हैं जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें चयनित सभी सदस्य एक समान आय वर्ग के होते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को शामिल किया जाता है। इसमें सभी सदस्यों द्वारा हर महीने एक बराबर राशि तय की जाती है, जिसे हर महीने नजदीकी बैंक में जहां उन्होंने समूह के नाम से बचत खाता खुलवाया होता है वहां पर इसे जमा किया जाता है। इस बचत खाते का संचालन समूह के पद अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है। समूह के किसी भी 3 सदस्यों को पद अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है जो समूह का संचालन करते हैं और किसी भी लेन देन का ब्यूरो रखते हैं। बैंक द्वारा कामकाज दर पर ऋण भी लिया जाता है। समझ आया तुम दोनों को? हाँ चाचा जी, बहुत अच्छे से समझ आया। चलो अब बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना तुम दोनों। जी चाचा। अरे नन्ही, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ वंदे, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। जानती हो, मेरे पापा ने भी आज स्वयं सहायता समूह के बारे में बहुत कुछ बताया। हाँ वंदे, कल सुषमा चाची भी आई थी हमारे घर और इस योजना के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, क्या बताया सुषमा चाची ने? सुषमा चाची ने बताया कि इस योजना के साथ साथ सरकार द्वारा NRLM और SRLM मिशन की भी शुरुआत की गई है। हाँ नन्नी, मेरे पापा ने भी बताया था कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना से जुड़ी महिलाओं के साथ बातचीत की। अच्छा, मुझे भी बताओ ना। प्रधानमंत्री का NRLM स्वयं सेवी महिलाओं के साथ संवाद। जुलाई 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐप के द्वारा 1 करोड़ से अधिक SHG से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया था। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कृषि एवं डेयरी क्षेत्र के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान है। इनके बिना इसका इतना विकास करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2011 से 2014 के दौरान देश में 50 लाख स्वयं सहायता समूह थे जो 2018 में बढ़कर 20 लाख हो गए, जिसमें कुल 2.25 से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है। कोविड-19 महामारी में NRLM SHG की भूमिका। कोविड महामारी के दौरान जहां लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, ऐसे समय में भारत में स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बड़ा ही सराहनीय कार्य किया गया। स्वरोजगार से जुड़े इन ग्रुप से कोविड के दौरान बड़ी भूमिका निभाई। जहां शहरों से लाखों की संख्या में पलायन हुआ, लोग बेरोजगार हुए, वहीं SHG ग्रुप ने कोरोना से लड़ने के लिए मास्क बनाना, सैनिटाइजर वितरण व अन्य कार्यों में भाग लिया जो कोविड के दौरान कारगर साबित हुए। विश्व के विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी भारत में स्वयं सहायता समूह के कोरोना काल के योगदान की सराहना की गई। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमारे देश के स्वयं सहायता समूह ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। स्वयं सहायता समूह क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG आपस में अपनापन रखने वाले एक सामान अति सूक्ष्म व्यवसाय एवं उद्यम चलाने वाले गरीब लोगों का एक ऐसा समूह है जो अपनी आमदनी से सुविधाजनक तरीके से कुछ बचत करते हैं। जमा इस छोटी छोटी बचत को समूह के सम्मिलित फंड में शामिल करते रहते हैं और उसे समूह के ही सदस्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से समूह की शर्तों एवं तय ब्याज अवधि पर दिए जाने के लिए आपस में सहमत होते हैं। यानी समूह के सदस्य अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा प्रति माह समूह में जमा करते हैं। जमा राशि में से ही जरूरतमंद सदस्यों को समूह की शर्तों पर ऋण दिया जाता है।
वंदे, ये समूह लोगों को काम करने की पूरी आजादी देता है। हाँ नन्ही, लेकिन इसके लिए कई तरह के नियम और शर्तें भी लागू की गई है। अच्छा, किस तरह की शर्तें? रुको, बताता हूँ। स्वयं सहायता समूह के नियम व शर्तें। समूह कम से कम 6 माह से सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। SHG ग्रुप के सदस्यों द्वारा समूह में निरंतर मासिक बचत अपने पास उपलब्ध संसाधनों से जमा की हो। समूह द्वारा अपने पास जमा राशि से सदस्यों को ऋण दिया हो। खाते का पूरा लेखा जोखा रखा गया हो। किसी भी सदस्य को दिया गया ऋण या जमा की गई मासिक बचत राशि को पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। समय समय पर साप्ताहिक या मासिक आधार पर बैठक की जा रही हो, जिसका विवरण मीटिंग रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। समूह में लोकतांत्रिक तरीके से कार्य हो रहे हो, सभी सदस्यों की सहभागिता रही हो एवं सभी की बात भी सुनी जा रही हो। समूह का उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना व स्वरोजगार का होना चाहिए, ना कि बैंक से केवल ऋण लेने के लिए रहा हो। बैंक द्वारा ऋण देने के समय इन सभी बिंदुओं को बारीकी से देखा जाता है। बैंक अधिकारी शाखा प्रबंधक इस बात से संतुष्ट हो कि समूह का उद्देश्य वास्तविक स्वरोजगार व एक दूसरे की सहायता करना है। बैंक ऋण आवेदन फॉर्म पर एक रेटिंग टेबल होती है, उसमें उन्हें एक निश्चित नंबर प्राप्त होने पर ही ऋण के लिए पात्र होते हैं। सभी सदस्य एक हित एवं पृष्ठभूमि के होने चाहिए, यानी सभी सदस्य जो भी सूक्ष्म व्यवसाय कर रहे हों उस ग्रुप में एक ही व्यवसाय से संबंधित होने चाहिए। जैसे दूध बेचने का हो तो सभी NRLM SHG सदस्य भी इसी काम से संबंधित होने चाहिए, और यदि सिलाई का कार्य करते हो तो सभी सदस्य सिलाई का कार्य करते हो। NRLM SHG को बैंक द्वारा ऋण का मानक उनके जमा के अनुसार जमा का 1:1 के अनुपात से लेकर 1:4 तक हो सकता है। स्वयं सहायता समूह के मुख्य बिंदु। समूह में अति गरीब व गरीब महिला या गरीबी रेखा से नीचे परिवार की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाता है। समूह में शामिल होने वाली महिलाओं की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस ग्रुप में शामिल सदस्य महिला को NRLM SHG हेतु चिन्हित होना चाहिए। समूह के सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह कुछ राशि जमा की जाती है, इसलिए इसके लिए ऐसे सदस्यों का होना भी जरूरी है जो समूह सदस्यों की सहमति से निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करने में सक्षम होनी चाहिए, जिससे वे मासिक अंशदान कर सके। NRLM SHG के लिए ऐसी महिलाओं को शामिल किया जाएगा जो जरूरत पड़ने पर सामूहिक कार्य करने के लिए इच्छुक होंगी। ग्रुप में शामिल महिला सदस्य को समय समय पर होने वाली समूह की बैठक में शामिल होने के लिए समय देना चाहिए। एक स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। स्वयं सहायता समूह को दिया जाने वाला ऋण प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। बैंक NRLM प्रोजेक्ट के तहत दिए गए ऋण को जब आगे रिपोर्ट करता है तो SHG को दिया गया ऋण दर्शा देते हैं। समूह की नियमित बैठक होना और सदस्यों को जमा हेतु साप्ताहिक बचत राशि निर्धारित करना। साप्ताहिक बैठक के लिए समय तय करना एवं कहां आयोजित होगी उसके लिए स्थान का चुनाव भी करना। संगठन व सामूहिक कार्य करने के लिए पहल करना। समूह द्वारा सामूहिक निर्णय लेना एवं उसके बाद उस पर अमल भी लाना।
पंच सूत्र के बारे में समूह सदस्यों को बताना, समूह के संचालन हेतु नियुक्त पद अधिकारी। वंदे, इस योजना के तहत देश की कई महिलाओं ने अपना कारोबार शुरू किया है। हाँ नन्ही, देश की कई महिलाओं ने इस योजना के तहत अपना काम शुरू किया है और आज उन्हें बहुत लाभ भी मिल रहा है, जिनकी सफलता की कहानी भी पिताजी ने मुझे बताई है। मुझे भी बताओ ना कि कैसे महिलाओं को इस योजना से सफलता मिली। हाँ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। NRLM ग्रुप बनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि इसको चलाएगा कौन, यानी इसका संचालन कौन करेगा। इसी कार्य को करने के लिए समूह सदस्यों में से 3 पद अधिकारियों का चयन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव होते हैं। अध्यक्ष का कार्य समूह का संचालन करना होता है, सचिव का समूह के सभी कार्यों का लेखा रखना होता है, कोषाध्यक्ष का कार्य पैसों से संबंधित लेन देन का हिसाब रखना कोषाध्यक्ष का कार्य होता है। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रत्येक गांव के लिए एक NRLM सखी का चयन भी किया जाता है, जिसका कार्य समूह का गठन करना, शुरुआत समय में गांव में जागरूकता कैंप लगाना आदि होता है। श्रीमती पम्मी देवी, जो बिश्नाहा की रहने वाली है, रंजीतपुर में अन्य SHG सदस्यों के साथ JKSRLM उम्मीद द्वारा ब्लॉक ट्रेनिंग सेंटर में शुरू किया गया 30 दिनों का लंबा प्रशिक्षण लिया और जैम, आचार, सॉस, चटनी और कंसंट्रेट बनाने का कौशल हासिल किया। प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और इस प्रकार उनके तालाब से हर साल 350 से 400 किलोग्राम मछली उत्पादन किया जाता है, उन्हें अपने लिए एक आकर्षक आजीविका शुरू करने में सक्षम बनाने के JKRLM के प्रोग्राम का एक हिस्सा था। अपने जीवन को सार्थक बनाने और अपने परिवार की कमाई बढ़ाने के उनके उत्साह को देखकर मिशन ने अप्रैल 2019 में बागवानी विभाग के साथ अभिसरण में रेहल में एक खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण इकाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया और मदद की। मिशन में उन्हें ऋण प्रदान किया गया, CLF से लगभग 2 लाख और बागवानी विभाग से सब्सिडी प्राप्त करने में भी मदद की। यह एक बहुत ही सफल उद्यम बन गया, क्योंकि 2019 में महिलाओं ने 62,000 रुपए से अधिक की कमाई की है और दिल्ली और अन्य स्थानीय बाजारों में सरस मेले में भी अपने बनाए सामान बेचे हैं। यह एक सामूहिक पहल बन गई, क्योंकि विभिन्न स्वयं सहायता समूह की लगभग 7 महिलाओं ने इस इकाई में एक साथ काम करने के लिए हाथ मिलाया। इकाई में FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। साई राम SHG की एक स्वयं सहायता समूह की सदस्या चिंता देवी, जो कि ब्लॉक पूनी जिला रियासी के एक सुदूर गांव ब्लूलियान में रहती है, वो एक खुशहाल मछली किसान है जो मछली पालन से आजीविका कमा रही है। एक पुरानी कहावत की तरह, मछली से पैदा हुआ काम करने के लिए मजबूर, चिंता देवी एक ईमानदार, मेहनती और समर्पित महिला है जो हमेशा मत्स्य पालन में उत्कृष्टता का सपना देखती है। उन्हें वर्ष 2017-18 में जम्मू और कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन JKSRLM से रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश कोष और बैंक लिंकेज के रूप में सहायता मिली। उन्होंने इन रुपयों को 0.3 हेक्टेयर का तालाब मछली उत्पादन में लगाया और आज इससे सालाना आमदनी 70,000 से 80,000 तक की है। उनके इस योगदान ने परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार किया। उत्पादित मछलियों को स्थानीय और आसपास के बाजारों में बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण सुविधाओं के अलावा उम्मीद ने समय समय पर क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से नकद, विधि और तकनीकी ज्ञान के रूप में विभिन्न सहायता प्रदान की है। उन्होंने JKRLM को हर तरह की मदद और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया।
उन्होंने ये भी कहा कि यदि उचित तकनीकी ज्ञान के साथ मछली पालन किया जाए तो यह उत्पादक है और बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक हल हो जाती है। उनकी यह सफलता हम सबको यह बताती है कि छोटी सी शुरुआत से हम अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सकते हैं। जानती हो नन्ही, महिलाओं की सफलता की कहानी सोशल मीडिया पर भी देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर? हाँ, सोशल मीडिया पर, जहाँ अपनी वीडियो डालकर लोग कुछ ही समय में कई लोगों तक अपनी कहानी बता सकते हैं। मुझे भी वो वीडियो दिखाओ ना बंदे। हाँ रुको, दिखाता हूँ। जम्मू कश्मीर में एक महिला उद्यमियों की जमीन से प्रेरक कहानियां सामने आती है कि किस तरह वह जमीनी स्तर पर अपने समाज को लाभ पहुंचाने के लिए चुनौतियों से ऊपर उठती हुई कदम आगे बढ़ा रही हैं। नमस्कार, मेरे ग्रुप का नाम धड़कन है, मैं गुलाब सिंहपुरा से हूँ। मैं पहले पार्टी थी लेकिन पैसे न होने की वजह से मैंने पहले छोड़ दी थी और कॉपर का काम शुरू किया। तो मैंने कॉपर का काम शुरू किया, घर में बैठकर काम करे। लेकिन 2014 में जब पुणे आई मैं ग्रुप में जुड़ गई। ग्रुप में हमें ट्रेनिंग मिली थी कि हम अपने काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो फिर हमने ग्रुप में मीटिंग की है कि हम यही काम करेंगे। तो फिर मैंने ग्रुप से 5 लाख का लोन लिया है, अपने बर्तन खरीदे और अपना काम अपना कारोबार स्टार्ट किया। अब मेरे पास 15 लड़कियां उस कारोबार में काम करती है। और दूसरे दुकान पे हम बेचते हैं, वहाँ पे भी एक सेलर मैन है जो बर्तन बेचते हैं। और मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की, मैं इतनों में पढ़ती हूँ अब। और मेरा भाई कोशिश कर रहा है, उसको 1 लाख एक सेमेस्टर का लगता है, वो भी मैं उसको देती हूँ, घर का खर्चा चलाती हूँ। अब हम अच्छे से अपना काम चलाते हैं। हम उमेर का बहुत शुक्र गुजार है जिसने भी हमें हौसला दिया है। अब तो जो जहाँ पे मीडिया है वो मेरे काम को देखने आ रही है कि जो काम लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियों ने मैं शुक्र गुजार हूँ, इसने हमें बहुत हौसला दिया है कि हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। और लोन भी हमने 5 लाख का लिया है, उसका भी हम अच्छे से रिपेमेंट करता है, अपना घर का खर्चा। जम्मू और कश्मीर में महिला SHG को मजबूत करने और सलाह देने के लिए JKRLM और सरकार द्वारा स्वयं सहयोग ग्रुप के तहत एक पहल की गई, जिसके तहत 7 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जम्मू और कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के 48,000 SHG से जुड़ी 4 लाख ख्वातिनों के लिए घर बैठे अपना कारोबार बढ़ाने का एक नया प्रोग्राम। एक उम्मीद है जिसका नाम मिले तरबियत, बढ़ेगा काम, होगी बरकत दिन और रात, होगी बरकत दिन और रात, जब मिलेगा सरकार का साथ, साथ 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 सरकार का साथ। साथ आपकी कामयाबी में, आपके बेहतर कल के लिए। JKRLM उम्मीद के साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट jkummeed.in पे लॉग ऑन करें। इस कार्यक्रम के तहत देश भर की महिलाओं को काफी लाभ पहुंचा। इसी तरह जम्मू कश्मीर के डंसल की रहने वाली ऋतु वर्मा ने अपनी कामयाबी की कहानी बताई। ऋतु का कहना है कि उम्मीद योजना ने उनके समूह को मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों से अगरबत्ती बनाकर आजीविका कमाने में मदद की। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु वर्मा है, मैं ब्लॉक डंसल से आई हूँ। मेरे एसएचजी का नाम जय माता दी है। उम्मीद में मैं 2015 से जुड़ी हूँ। उम्मीद से पहले हम लोग ऐसे नॉर्मल जिंदगी जीते थे, कोई रोजगार नहीं था। उम्मीद में जुड़ने के बाद हमने इंसेंस स्टिक्स यूनिट स्टार्ट किया, जिसमें हम फूलों से बनी अगरबत्तियाँ बनाते हैं। जो मंदिर में चढ़ाए हुए फूल, पहले क्या होता था कि नदी नालों में फेंक देते थे, उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता था और हमारी श्रद्धा को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती थी। तो फिर हम लेडीज़ ने ये इनिशिएटिव लिया, हम उन फूलों को सुखा के उनका पाउडर बना के उसकी अगरबत्तियाँ बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि
उसमें कोई चारकोल भी नहीं है, इको फ्रेंडली है वो, और इससे हमारी आमदनी भी बढ़ी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उम्मीद का, जिसकी वजह से मतलब हमारी लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इनकम भी बढ़ी, उनमें कॉन्फिडेंस भी आया। इसी तरह उम्मीद कार्यक्रम की लाभार्थी रामनगर तहसील की रहने वाली अंजू देवी का कहना है कि योजना का हिस्सा बनने के बाद उनकी आय में कई गुना वृद्धि हुई। वह सुझाव देती है कि अन्य महिलाएं बेहतर आजीविका के लिए इस योजना का लाभ उठाएं। नमस्कार, मेरा नाम अंजू देवी है, मैं ब्लॉक रामनगर से आई हूँ। मेरे ग्रुप का नाम मार्शल बाबा है। 2016 में जो है स्कीम हमारे ब्लॉक रामनगर में आई थी, हम इसके साथ जुड़े थे। पहले जो हमारी स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इसके बाद हम जब उम्मीद हमारे गांव में आई, इसके साथ काफ़ी सारी महिला भी जुड़ी, मैं भी इसके साथ जुड़ी। इससे हमें काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ और हमने काफ़ी सारे लाइवलीहुड भी किए हुए हैं, जिससे हमारी आमदनी कम से कम पहले जहाँ 10 रुपये थी तो अभी 50 रुपये तक हो गई है, जहाँ परिवार का मतलब रहन सहन बहुत अच्छे से हो रहा है और मेरी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और मैं ये चाहती हूँ कि इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि जो महिला ग्रुप से नहीं जुड़ी है वो भी ग्रुप से जुड़े और इस मिशन का फ़ायदा उठाएं। ये मिशन हर तरीक़े से उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वहीं सिंहपुरा के बारामूला की असमत गरीबी से बाहर निकलने और अपने समूह की 12 लड़कियों को तांबे के बर्तन डिजाइनिंग में सफल उद्यमी बनाने के लिए उम्मीद योजना की आभारी है। बदरवाह की रहने वाली नादिया और उनके SHG सदस्यों ने एक छोटे पैमाने पर साबुन निर्माण इकाई शुरू की, जिसके जरिए उन्होंने गरीबी की बेड़ियों को तोड़ दिया। वह अब न केवल अपनी आजीविका कमा रही हैं, बल्कि स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा दे रही हैं। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने हर मैदान में अपने जौहर ही नहीं दिखाए, बल्कि वो तमाम खित्ते के लोगों के लिए मशाले राह बन रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल बदरवा में उम्मीद स्कीम से जुड़ी महिलाओं ने कायम की है। इन महिलाओं ने अपने इलाके में साबुन बनाने का काम शुरू ही नहीं किया, बल्कि उसको कामयाबियों से हमकिनार कर दिया। मेरा नाम नादिया फारूक है, मैं ब्लॉक बदरवा से हूँ। उम्मीद यहाँ पे 2014 में ज्वाइन किया था मैंने उम्मीद में, फिर उसके बाद हमने 7-8 बहनों ने मिलकर सो फैक्ट्री शुरू की। यहाँ से हमें जो भी माल बनाते हैं वो हम अपने इलाके में बेचते हैं और वहाँ से हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मैं उम्मीद का शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसा मंच दिया जिससे मैं आगे बढ़ सकी और यहाँ से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। मैं उम्मीद का शुक्रिया करती हूँ।
हर काम एक महिला का काम हो सकता है, यह बात अनंतनाग के जम्मू कश्मीर में रहने वाली रूबी ने सच कर दिखाया है, जहां उन्होंने एक फर्नीचर निर्माण इकाई खोलकर इसका उदाहरण दिया है। औरतों की महदूद सोच को परे परवाज देने वाली ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिन्होंने उम्मीद स्कीम से जुड़कर न सिर्फ मर्दों के पेशे को इख्तियार किया बल्कि उसको कामयाबियों के शिखर तक ले गई। उम्मीद से जुड़ने के बाद और उम्मीद से माली मौनक मिलने के बाद रूबी बानो ने अपने छोटे से गांव में लकड़ी का कारखाना शुरू किया और न सिर्फ इससे अपना रोजगार पैदा किया बल्कि इलाके की बहबूदी के लिए भी मिसाल कायम की। اس ہے جڑے اصل ایمیکسس کے فنڈز آئی ایف سی آئی بینک لکھے میں ہزا وہ دیمارس میں لے رہا بترا بکری کار تھا اس میں ایک دیمارس میں خیال آیا بکری کار آتا جس میں مدد امید امی بروٹس میں انکم گھر اس میں کہی گنچ میں آسر بچے رہتا اس روپے اس میں دوسا خرچ بچے چکے बारामूला जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने सभी रूढ़ियों को तोड़ते हुए अपने व्यवसाय में बिचौलियों को खत्म करने के लिए तांबे के बर्तन डिजाइन और उत्पादन का एक उद्यम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के सिंहपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाली उम्मीद स्कीम से जुड़ी महिलाओं ने कुछ अलग कर दिखाने की ठानी और नतीजे में उन्होंने तांबे के बर्तन बनाने का कारोबार शुरू किया। उम्मीद से जुड़ी 12 महिलाएं ये कारोबार बड़े पैमाने पर चला रही हैं। मशना असमत मेंस ग्रुप शना दरकन पछि करा ये त्राम काम पछि त्रामस करा नक्श गडनत एस इस वस्तु सं मतलब काम रटान सोस एस दीवान मतलब अगर पैलेट छ 15 रुपए सोस एस 10 रुपए 30 रुपए पैलेट एस दीवान यानी के बराबर ओस न एस दीवान की तन पत ये उम्मीद आ एस जुड़े ग्रुप स सतन जुड़े एसन पत आर एफ सी एफ ऑफ तिमज रेट एस वडिया पोंस तो ओन एस पनन त्राम तो पत हो त्राम मूल बनावन वह नक्श करा त्रामस पे कन त्राम दुकान तेरा शुक्र गुजार उम्मीद वाले कुन एन आर एल एम वाले कुन यमो ग्रुपस जुड़े तो यूत ब्रो पकन। इनकी अलग कारकिन कोशिश न सिर्फ इनको रोजगार के वसाइल पैदा कर रही है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नए वसाइल पैदा करने की तदबीर दे रही है। जम्मू कश्मीर में अखनूर महिलाओं ने समूह के अन्य सदस्यों को लाभकारी रोजगार देकर चावल शेलर इकाई की स्थापना की है। जी नमस्कार, मेरा नाम नीलम शर्मा है, मैं गांव बुढ़ा ब्राह्मणा से हूँ और हमारा बीओ है बुढ़ा ब्राह्मणा वेस्ट और मैं अपने बीओ में प्रेसिडेंट हूँ और मैंने अपने उम्मीद में से एसएचजी से भी कुछ से भी पैसे लिए और कुछ पैसे मैंने आरएफ से लिए सीआईएफ भी मिला और उसके बाद मैंने बैंक लिंकेज भी करवाया तो जिससे मुझे थोड़ी मदद मिली तो मैं धीरे धीरे मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हुए अपना छोटा सा रोजगार खोला है ये शैलर राइस प्लांट। तो इससे मुझे तो आर्थिक सहायता मिली ही है लेकिन मेरे और भी बहनों को थोड़ा रोजगार जो है वो मिला है तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उम्मीद का और अपने बीपीएम मैम का जिन्होंने हमें समय समय पर मदद दी और हम सब नारी जो है नारी शक्ति और सशक्त हो रही हैं तो मैं और भी अपने सभी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि सभी लोग अपने अपने उम्मीद से जुड़ें और लाभ लें। धन्यवाद उम्मीद। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को गरीबी की बेड़ियों से मुक्त करती है और उन्हें समाज का योगदान सदस्य बनाती है। उम्मीद मूक सामाजिक क्रांति पैदा करने की राह पर है। वड़गाम की वाहिदा बानो ने अपनी कहानी सुनाई है। वड़गाम के खान साहब इलाके में वहीदा नामी एक महिला ने उम्मीद स्कीम की सहायता से अपना नाम मनवाया। उम्मीद स्कीम की मदद से वहीदा ने खान साहब इलाके में पहला बुटीक स्थापित किया और अपना नाम पूरे जिले में रोशन किया। वहीदा ने कोविड की इस महामारी में भी एसओपीज का पालन करते हुए अपने काम को जारी रखा। वहीदा ने न सिर्फ अपने बल्कि अपने परिवार के ख्वाबों को भी पूरा किया। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद स्कीम ने वहीदा के ख्वाबों को उड़ान देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की सलाहियत बख्शी। شکر گزار ام امید سکیم ہوں کیا اس کی موقع رسی یوتا مدد یوتا حرف کور اسی مو
नन्नी, तुम बोल रही थी कि सुषमा चाची ने भी तुम्हें SRLM और NRLM के बारे में बताया था। हाँ, उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह के तहत SRLM और NRLM सरकार द्वारा ही शुरू की गई योजना है। सरकार ने ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM की शुरुआत की थी। मुझे इसके बारे में सब कुछ विस्तार से बताओ ना नन्ही। हाँ हाँ वंदे, मैं सब कुछ बताती हूँ तुम्हें। SRLM राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीबों की मजबूत जमीनी संस्थाओं का निर्माण करके राज्य में गरीबी को कम करना और उन्हें लाभकारी आजीविका हस्तक्षेपों में शामिल करना है। इसके साथ ही स्थायी आधार पर उनकी आय में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करना है कि हर गरीब परिवार उन पर अटूट विश्वास और विश्वास के साथ गरीबी से बाहर आता है। गरीब अपने और अपने परिवार के बारे में सकारात्मक सोचने लगता है। जहां गरीबों के जीवन में उन्होंने बदलाव की सभी संभावनाओं को हासिल किया और अपनी पूरी प्रतिभा और योग्यता का इस्तेमाल किया है। हर गरीब सरकारी योजनाओं के सभी लाभों को अपनी पात्रता के रूप में प्राप्त करता है, जो अतः उसे संतोष, खुशी और सम्मान से भरा जीवन जीने में मदद करता है। मिशन के मूल विश्वास। गरीब अपने स्वयं के संगठनों के माध्यम से ही गरीबी से बाहर आ सकते हैं। सामाजिक लामबंदी अपने आप नहीं होती। सामाजिक लामबंदी को प्रेरित करने के लिए NRLM, SRLM जैसी बाहरी समर्पित समर्थन संरचना की आवश्यकता होती है। गरीबों के बीच उच्च स्तर का नेतृत्व। गरीबों में एक दूसरे की मदद करने की सहज प्रवृत्ति होती है। गरीब विकास में भागीदार है, लाभार्थी नहीं। गरीब अच्छे निर्णय लेने वाले और योजनाकार होते हैं। हर गरीब की चाहत होती है गरीबी से बाहर निकलने की। गरीबों के पास बहुत अधिक जीवित रहने का कौशल है। गरीब अपने आसपास के प्रतिकूल वातावरण के कारण गरीबी से बाहर नहीं आ सकते हैं। गरीबी कम करने के लिए मुख्य कदम। गरीबों की पहचान, गरीबों को संगठित करना, उनकी क्षमता को उजागर करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, सही रास्ता दिखाना, आजीविका का मार्ग दिखाना, सामाजिक जागरूकता, गरीबों के चारों ओर सुरक्षा जाल और कल्याणकारी योजनाओं को उनके हक के रूप में परिवर्तित करना। NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों के सत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना और इसके माध्यम से ग्रामीणों को गरीबी समाप्त करने के साथ साथ आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना है। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है, जिसे साल 2011 में लॉन्च किया गया था। सामुदायिक संस्थान का निर्माण। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूरे देश में 6.96 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से
82 लाख परिवारों को जोड़ा गया। 40 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 4.75 करोड़ महिलाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया। वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेश रणनीति के तहत मिशन SHG को बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त सेवा विभाग और भारतीय बैंक महासंघ के साथ मिलकर कार्य करता है। सुदूर क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक उपलब्ध कराने में भी मिशन को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। स्वयं सहायता समूह के 1518 सदस्यों को बैंक एजेंट के रूप में कार्य करने का मौका दिया गया है। ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला स्वयं सहायता समूह को ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। इससे ऋण का ब्याज भुगतान 7% प्रतिवर्ष हो जाता है। इसके अलावा 250 जिलों में समय पर ऋण भुगतान की स्थिति में ब्याज में 3% की अतिरिक्त कमी की जाती है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और मूल्यवर्धन श्रृंखला। कृषि पर्यावरण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मिशन ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लागू किया है, जो महिला किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा और कृषि लागत तथा जोखिम में कमी लाएगा। इस योजना के तहत 33 लाख महिला किसानों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। मूल्यवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, वन उत्पाद आदि को शामिल किया गया है। छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाए जाने वाली फसल जैसे मक्का, आम, फूल की खेती, डेयरी आदि को मूल्यवर्धन गतिविधियों में शामिल किया गया है। सामुदायिक आजीविका। मिशन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है समुदाय आधारित कार्यान्वयन। इसके लिए 1.72 लाख सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे सामुदायिक संस्थानों को सहायता प्रदान कर सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लेन देन का हिसाब रखने, क्षमता निर्माण करने, वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसमें 22,000 सामुदायिक आजीविका संसाधन व्यक्ति जैसे कृषि सखी, पशु सखी शामिल है, जो 2400 घंटे सेवा उपलब्ध कराते हैं। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम तथा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। गैर कृषि आजीविका रणनीति के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम तथा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना लागू कर रही है। SVEP का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण उद्यमियों की सहायता करना है। इस योजना के तहत 17 राज्यों में लगभग 16,600 उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है। इससे 40,000 लोगों को रोजगार मिला है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना को अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सुदूर गांवों को ग्रामीण परिवहन व्यवस्था से जोड़ना है। मार्च 2018 तक 17 राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और 288 वाहन संचालन में है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उपयोजना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। इस उपयोजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें अधिक वेतन वाले रोजगार दिलाना है। ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मिशन ने 31 बैंकों तथा राज्य सरकारों के साथ समझौता किया है। इसके तहत ग्रामीण स्वयं रोजगार संस्थानों को सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में मिशन 586 ऐसे संस्थानों की मदद कर रहा है। DAY NRLM का स्वतंत्र आकलन। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को
DAYNRLM की डिजाइन, रणनीति और प्रभाव स्वतंत्र आकलन की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अध्ययन के रूप में जनवरी से मार्च 2017 के बीच हुए सर्वेक्षण में 746 गांव के करीब 4500 घरों को शामिल किया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मिशन की प्रमुख प्राथमिकताएं, मिशन विस्तार, कृषि आजीविका को प्रोत्साहन, गैर कृषि आजीविका को प्रोत्साहन, ग्रामीण हाट की स्थापना। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पूरे देश में 4567 ग्रामीण हाट स्थापित करने की योजना, औपचारिक वित्तीय संस्थान तक ग्रामीण गरीबों की पहुंच सुनिश्चित करना। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 22 लाख स्वयं सहायता समूह को 42,500 करोड़ रुपए का बैंक ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम बन गए हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में यह महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए एक कारगर माध्यम है। कई सहायता समूह की महिलाओं ने बकरी पालन का व्यापार शुरू किया है। ये महिलाएं अपनी बकरियों को ATM कार्ड कहकर पुकारती हैं। स्वयं सहायता समूह के पास ऋण सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद इतनी क्षमता नहीं होती कि बड़े दुधारू जानवर जैसे गाय, भैंस आदि खरीद सके। इस तरह के समूह एक बकरी 4,000 से 5,000 रुपए में और बकरी का बच्चा लगभग 1,000 रुपए में खरीदते हैं। वाह नन्ही, ये तो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई बहुत बढ़िया योजना है ना? हाँ वंदे, और इस योजना से कितनी सारी महिलाओं को लाभ भी मिल रहा है। हाँ, सरकार ने सभी के लिए योजना लागू की है। हर समूह की एक पुकार, अपना विकास अपना रोजगार। जय हिंद जय भारत। हर समूह की एक पुकार, अपना विकास अपना रोजगार।